बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल सॉस एंड स्पाइस। जैसा कि आप जानते हैं, सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं और सर्दियों में लोग बहुत ज़्यादा सूप पसंद करते हैं, तो आज हम आपके लिए लाए हैं सूप की फ़र्स्ट रेसिपी और सबकी फेवरेट रेसिपी, चिकन कॉर्न सूप। तो चलिए चल के देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। सूप रेडी करने से पहले सूप का स्टॉक रेडी किया जाता है। स्टॉक रेडी करने के लिए आप लेंगे चिकन बोन्स आधा किलो। आप कोई भी हड्डी ले सकते हैं इसकी, गर्दन की ले लें, थाई की ले लें, आप कोई सी भी हड्डी ले सकते हैं। आधा किलो आपको चाहिए होंगी। इसके बाद आपको चाहिए होगा एक बड़े साइज़ का प्याज। अगर आपके पास दरमियाने साइज़ का प्याज है तो वो आप दो ले सकते हैं, और इसको आपने छिलके समेत लेना है। हरे प्याज का हरा हिस्सा आपने लेना है, ये तकरीबन आधा कप है, इसको मैंने बड़ा बड़ा काट लिया। एक लहसुन पूरा लेना है साबुत छिलके समेत, इसको मैंने दरमियान से इस तरीके से कट कर लिया है। इसके बाद आप लेंगे अदरक, एक इंच का टुकड़ा चाहिए अदरक का छिलके समेत। ये सब चीज़ें आप स्टॉक के लिए रेडी करेंगे, इससे आप स्टॉक बनाएंगे। इसके बाद आपको कॉर्न चाहिए होगा एक कप। अगर आपके पास आम सिटा है तो वो आपने उसके दाने निकाल के उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। थोड़ा सा इस तरह से मैंने कैन वाला यूज़ किया है। एक कप लेना है चिकन का कीमा, आपको चाहिए होगा एक कप। एक अंडा, सिरका एक खाने का चम्मच, सोया सॉस डेढ़ खाने का चम्मच, कॉर्नफ्लोर दो खाने के चम्मच, नमक डेढ़ चाय का चम्मच, काली मिर्च एक चाय का चम्मच। सिरका और सोया सॉस ऑप्शनल है, या आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो सूप रेडी करने से पहले हम इसका स्टॉक रेडी करेंगे। स्टॉक रेडी करने के लिए एक पैन लिया, उसके अंदर 4 लीटर मैंने पानी डाला। इसमें जाएंगी चिकन की हड्डियाँ, प्याज, लहसुन, हरे प्याज का सब्ज़ हिस्सा और अदरक डाल देंगे हम, और इसकी फ्लेम को हम करेंगे तेज़ आंच पर इसको पकने देंगे। प्याज, लहसुन और अदरक आप छिलके समेत ही यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट स्टॉक में बहुत ही ज़बरदस्त आता है। आप इसको चाहें तो नमक और काली मिर्च के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको बॉईल करते हैं, और इसके ऊपर जब झाग आ जाएगी तो आप इसको उतार लेंगे, तेज़ आंच पर पकने देंगे और एक बॉईल आने का इंतज़ार करेंगे। आप इसको रेडी करेंगे। ये देखें जी, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर झाग आ चुकी है। ये झाग किसी भी गोश्त के अंदर, जितना मर्ज़ी आप इसको साफ़ कर लें, ये आपकी झाग लाजमी आएगी, क्योंकि ये कुदरती अमल है। इसके खून की वजह से ये झाग लाजमी आती है। इसमें आप इसको 2 से 3 बार, जब इसके ऊपर झाग आएगी, आप इसको निकाल लेंगे और अपना स्टॉक रेडी कर लेंगे। यहाँ पर 3 घंटे गुजर चुके हैं, और 3 घंटे बाद आप देख सकते हैं इसकी रेशो बिल्कुल आधी हो चुकी है, और स्टॉक का कलर भी देख लीजिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक का कलर आ चुका है। आप इसको स्टेन कर लेंगे। हमारा यहाँ पर स्टॉक बिल्कुल रेडी है सूप के लिए। अब ये पानी रह गया 2 लीटर के बराबर, तो आइए हम इसको अलग से पैन में, मैंने इसको निकाल लिया जिसमें हमने सूप रेडी करना है। यहाँ पर ये सूप के लिए मैंने स्टॉक निकाल लिया। इसके बाद ये जो कीमा है, इसमें मैं पानी डाल के यूज़ करूँगी, ताकि ये पानी के अंदर जाके गुठलियाँ ना बने। आप देख सकते हैं कि हमारा स्टॉक बिल्कुल गर्म है, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट डालूंगी तो ये गुठलियाँ बन सकती हैं, इसलिए मैं पानी में हल करके डालूंगी। यहाँ पर मैंने इसको मिक्स किया, और आंच को मैंने मीडियम रखना है यहाँ पर अभी फ़िलहाल। इसको फिर से मैंने बॉयल आने देना है, और फिर से देखिए जी, झाग आ चुकी है। मैं इसको फिर से स्ट्रेन कर लूँगी। अब जितनी बार झाग आएगी आपने उतनी बार ही निकालना है। इसके बाद आप इसमें डालेंगे कॉर्न। मेरा यहाँ पर कैन वाला स्वीट कॉर्न था, इसीलिए मैं यहाँ पर, इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपके पास फ्रेश है तो वो ज़्यादा टाइम लेगा, और आप उसको चॉप करेंगे। इसको काफ़ी देर पकने देना है हमने, जब तक चिकन और कॉर्न अच्छे से गल ना जाए। यहाँ पर मैं डालूँगी सिरका, नमक और काली मिर्च। काली मिर्च मैं पहले थोड़ी सी डालूँगी अपने टेस्ट के हिसाब से। यहाँ पर अच्छे से इसको बॉईल कर लूँगी, और चिकन के पकने का और कॉर्न के पकने का इंतज़ार करूँगी। मैंने दोबारा से सारी काली मिर्च डाल दी थी इसमें। आप काली मिर्च और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें डालेंगे। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी सोया सॉस। सोया सॉस डालने के बाद इसको फिर से हिलाऊँगी और इसको पकने दूँगी। ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपके पकने के लिए। यहाँ पर मेरा कॉर्न बिल्कुल रेडी है। अब मैं कॉर्नफ्लोर में पानी डाल के इसको गाढ़ा नहीं करूँगी, थोड़ा सा पतला रहने दूँगी कॉर्नफ्लोर को,
और इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और साथ साथ हिलाती जाऊंगी चम्मच को, मीडियम इसकी आंच करूंगी और थोड़ा थोड़ा डाल के मैं इसको गाढ़ा कर लूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सूप बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपने इसको जितना भी गाढ़ा रखना है यह आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर मैंने अंडे को बीट किया और एक हाथ से मैं चम्मच हिलाती जाऊंगी और अंडे को आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालती जाऊंगी। एक बार अंडा आपने नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके एक धार से आपने अंडा डालना है इसमें और दूसरे हाथ से आपने अच्छे से मिक्स करते रहना है। यहाँ पर देखें जी हमारा सूप बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। आप इसको सर्व करेंगे सोया सॉस, चिली सॉस और सिरके में हरी मिर्च डालकर। इसको टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जितना चाहें डाल सकते हैं। तो आज आपने सीखा सबसे फेवरेट और बच्चों की भी फेवरेट डिश जो कि है सूप, चिकन कॉर्न सूप। आप इसको जब दिल चाहे घर में इजीली बना सकते हैं सिर्फ अच्छे से स्टॉक के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।